इंदौर की सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के सियागंज इलाके में बुधवार रात को किराना ड्राई फ्रूट कारोबारी पिता पुत्र को कट्टा अड़ाकर बदमाश ने लूटने की कोशिश की। पिता पुत्र के विरोध करने पर बदमाश भाग निकला। दरअसल पूरी घटना इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के सियागंज की है, जहां पर रोज की तरह ड्राई फ्रूट्स व्यापारी करण और उसके पिता प्रकाश पंजाबी रात करीब 11 बजे दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। तभी घात लगाए बैठे बदमाश ने ड्राई फ्रूट्स व्यापारी पिता प्रकाश पंजाबी और पुत्र करण पर कट्टा अड़ाकर पैसे की मांग की और तभी पिता पुत्र दोनों हिम्मत दिखाते हुए विरोध करने लगे। इसी दौरान आरोपी द्वारा कट्टे से फायर करने की कोशिश की, मगर कट्टा नहीं चला और आरोपी वहां से भाग गया। वहीं पूरी घटना व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही व्यापारी द्वारा पूरे मामले की शिकायत सेंट्रल कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है, जहाँ पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। कल 10-10 बजे की घटना है थाना कोतवाली के अंतर्गत सियागंज में। व्यापारी फ्रूट व्यापारी जो अपनी दुकान बढ़ाने के बाद अपने घर जा रहे थे अपने पिताजी के साथ में, उसी समय सडनली एक व्यक्ति आया और उसने जो है एक्सटॉर्शन की कोशिश की कि जो आपके पास पैसे हैं वो दे दिए जाए। उसी समय लड़का खड़ा हुआ था तो उसके ऊपर झटका, बाप के ऊपर पहले उसने आक्रमण अटैक किया, जिस पर से लड़के ने बचाव किया और वो भाग गया। किसी भी तरीके से पैसे वगैरह नहीं ले गए, लेकिन घटना घटित हुई है, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में धारा 386 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण विवेचना में है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसको पकड़ लेंगे।